शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नया ट्रेन करने वाला है। मेरा नाम किरण है और मैं 10वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। आज का मेरे तकरीर का अनवान है बहादुर यार जंग। तो आज से तकरीबन नस सदी पीछे चलते हैं। तहरीक पाकिस्तान अपने शबाब पर है, बस्ती बस्ती शहर शहर लेके रहेंगे पाकिस्तान के नारों की आवाज़ें गूंज रही है। तो उसी दौर की बात है, एक मुस्लिम लीग के परचम तले एक अजीम अलीशान जलसा हो रहा है। एक लंबा चौड़ा सा मैदान है जो लोगों से भरा हुआ है। लोग अपने महबूब की तकरीर सुनने को बेताब है। अभी उसने तकरीर शुरू ही ना की थी कि जल्दी से बादल गरज आए और थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद एक मूसलाधार बारिश शुरू होने लगी। तो इतने में से जलसा कुछ धर्म भरम सा होने लगा। जो लोग मैदान में थे वो इधर उधर भागने लगे, कुछ बाहर भागने लगे, कुछ अंदर भागने लगे। तो जलसा कुछ धर्म भरम सा होने लगा। इतने में से एक शेर की दाढ़ की सी आवाज़ सुनाई और लोग खामोश हो गए। जो इधर उधर भाग रहे थे वो एक ही मैदान में जमा हो गए और वो तकरीर सुनने के लिए खामोश हो गए। तकरीर करने वाला तकरीर करता रहा, सुनने वाले सुनते रहे और रह रहे के अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। तो ये था तकरीर का असर और ये थे बरे सगीर पाक व हिंद के बेमिसाल और कायद आजम के जानसार साथी दोस्त नवाब बहादुर यार जंग। सिफत रईस से बहादुर यार जंग हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। वो 10वीं जमात के तालिबे इल्म थे और उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनके वालिद ने जागीर भी छोड़ी और कर्जा भी। तो एक बहादुर यार जंग ने अखराजात में कमी की और अपने वालिद का सारा कर्जा अदा कर दिया। और बहादुर यार जंग एक अजीम मुजाहिद थे और वो इतनी तकरीर करते और उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किए और ज़्यादातर तकरीरों में हिस्सा लिया। और बहादुर यार जंग एक दफ़ा वो तकरीर कर रहे थे तो निज़ाम हैदराबाद दक्कन ने उनकी खामोशी से तकरीर सुनी। तो उनकी तकरीर का ऐसा असर हुआ कि वो बेख्तियार उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़े। तो निज़ाम हैदराबाद दक्कन ने उन्हें कौमी खिदमात को सराहते हुए उन्हें बहादुर यार जंग का खिताब दिया। और मोहम्मद बहादुर यार जंग उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि कौम की भलाई के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किए। और वो सिर्फ एक निडर मुजाहिद थे। जो कुछ महसूस करते थे वो बेखौफ होकर कह देते थे। अगर जहाँ कहीं उन्हें कुछ खराबी नज़र आती थी तो वो बयान कर देते थे। एक एक मरतबा उन्होंने हैदराबाद दक्कन की रियासती माहौल के खिलाफ बेबाकाना होकर आवाज़ की तो उस आवाज़ के नतीजे में निज़ाम हैदराबाद उनसे नाराज़ हो गए। तो उन्होंने उन निज़ाम हैदराबाद दक्कन की हाकमाना रवैये की परवाह ना के अपने काम में मसरूफ़ रहे। और उन्होंने जब देखा कि कौम की खिदमत के रास्ते में ये खिताब और जागीर रुकावट है तो उन्होंने खिताब और जागीर छोड़ी और अपने काम में मसरूफ़ रहे। तो उन्होंने जब ये खिताब और जागीर छोड़ी तो लोगों ने उनके पास मुबारकबाद के खतूत भेजे। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक तबलीग बनाई, जगह जगह इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने हमेशा मुसलमानों की तरक्की के लिए सोचा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ही काम किया। मोहम्मद बहादुर यार जंग 25 जून 1944 को पैदा हुए और उनकी इंतकाल के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। इतनी उम्र में वो इतने काम अंजाम दे के गए कि आज तक उनका नाम जिंदा है। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें अपनी कौम के लिए तरक्की करनी चाहिए, अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। अगर हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारा पीछे नाम रह जाए, क्योंकि इंसान की इज्जत जागीर और खिताब से नहीं बल्कि खिदमत और इशार से की जाती है।